2023 के दंगल से पहले बीजेपी ने अपना रुख बदल लिया है। बीजेपी ने आक्रामक मोड जो है वो अख्तियार कर लिया है। लगातार राज्य सरकार पर पार्टी हमलावर नजर आ रही है, दिग्गज पार्टी कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के तेज दर्रार नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर साजा पहुंचे, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के क्षेत्र साजा में, और पहुंचते ही उन्होंने मंत्री चौबे के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। साजा को लेकर उन्होंने कहा कि यहां की जनता भय में जी रही है, हर जगह दलाल जो है वो सक्रिय हैं, और तो और बिना कोई क्वालिफिकेशन के भी विभिन्न पदों पर मनोनयन कर रहे हैं, सरकार चुनाव करने से डरती है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है और साजा से रविंद्र चौबे को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता थे, अजय चंद्राकर, राम विचार नेताम, सवन्नी, पूर्व विधायक लालचंद बाफना और कई बीजेपी नेता साझा में सभा को संबोधित करते देखे गए। दरअसल बीजेपी अब हर विधानसभा में पहुंचकर छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं के बारे में लोगों को बता रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार उसको गांव-गांव में उत्सव के तौर पर मनाने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि ये चार साल छत्तीसगढ़ के लिए शर्म का साल है, छत्तीसगढ़ के लिए दुख का साल है, छत्तीसगढ़ के लिए अवसाद का साल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गरीबों से घृणा करने वाली सरकार बैठी, गरीबों को आवास नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास को, नल जल मिशन में काम बंद है, जो आयुष्मान कार्ड है उसके सेवाएं बंद है, उजाला योजना कहीं चल नहीं रही है, जनधन योजना की कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सब्सिडी उनकी चुराई जा रही है डीबीटी नहीं करने के बजाय। दूसरी तरफ जो कांग्रेस झूठ के घोड़े पर सवार होकर सत्ता में आई, लोगों को सपने सब जो बात दिखा के सपने में आई, उस घोषणा पत्र को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही। आज मैं साजा में उतरा मंत्री जी के क्षेत्र में, तो सबसे पहले 5 शराबी मिले मुझको, जो मुझसे पैसे मांग रहे थे, कहाँ है उसकी शराबबंदी, एक भी आदमी ने नरवा गुरुवा गरवा बारी, उनकी जो फ्लैगशिप योजना थी कितना पैसा मिला कहाँ पे मिला कोई बात उन लोगों ने नहीं बताई कि कहीं पे बन रहा है। किसी भी किसान का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी भी किसान को बोनस नहीं मिला, किसी भी स्व सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ।